से ही पाठ सात बाल लीला पढ़ाएंगे। बच्चों, बाल लीला में श्री राम और श्री कृष्ण के बचपन का वर्णन किया गया है। बाल लीला में पहला पद जो सूर्यदास जी द्वारा रचित कृष्ण भगवान की बाल लीला का वर्णन किया गया है। इस आइए पहले सूर्यदास जी के बारे में जानकारी लेते हैं। सूर्यदास जी भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म सन 1478 ईस्वी में यानी 1478 ईस्वी में रुनकता नामक ग्राम मथुरा में हुआ था। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं एवं प्रेम लीलाओं का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। सूरसागर नामक ग्रंथ में इनके पद संकलित हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूर सारावली तथा साहित्य लहरी। इनका निधन सन 1585 ईस्वी में अर्थात 1585 ईस्वी में हुआ था। पहला बच्चों आपका जो सूरदास जी द्वारा रचित कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। कवियों में सूर तथा राम भक्त कवियों में तुलसीदास जी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस पाठ में तुलसीदास तथा रसखान के द्वारा रचित बाल लीलाओं के कुछ पद लिए गए हैं। तो चलिए आपका पहला पद शुरू करते हैं। सूरदास जी द्वारा रचित माया मोहि दाऊ बहुत खिजायो। इस पद में भगवान श्री कृष्ण अपनी यशोदा माँ से दाऊ भैया की शिकायत करते हैं। चलिए पहले काव्य पढ़ते हैं। माया मोहि दाऊ बहुत खिजायो। मोसो मतलब मुझसे, खिजायो मतलब बच्चों चिढ़ाते हैं। माया मोहि दाऊ मतलब बलदाऊ जी के बारे में कहते हैं। मैया यानी यशोदा माँ, मोहि माने मुझे, दाऊ बलदाऊ जी खिजायो मतलब चिढ़ाते हैं। मोसो कहत मोल कौ लीन हो। मोसो मतलब मुझसे, कहत मीन्स कहते हैं, मोल मतलब खरीदा है। तू जसुमति कब जायो, जायो मीन्स जन्म। कहा करो यही ऋषि के मारे, ऋषि मतलब इसी गुस्से से खेलन हो नहीं जात। पुनि पुनि कहत कौन है माता, पुनि पुनि मतलब बार बार कहते हैं। पुनि पुनि कहत यानी बार बार कहते हैं। कौन है माता को है तेरो तात, तात मीन्स बच्चों पिता। गोरे नंद जसोदा गोरी तूकत श्यामल गात, चुटकी दय दय ग्वाल नचावत। चुटकी मीन्स जो अंगूठे और उंगलियों को मिलाकर चुटकी बजाते हो उसको चुटकी कहते हैं। ग्वाल मीन्स ग्वाल वाले जो गाय चराते हैं। हसत सबय मुस्कात, सबय मीन्स सभी। तू मोही को मारन सीखी दाऊ ही कबहु न खीजे, खीजे मीन्स गुस्सा करती हूँ। मोहन मुख रिस की ये बातें, रिस मतलब बच्चो रस भरी बातें, जसुमति सुनी सुनी रीझे मीन्स प्रसन्न होती हैं और मोहित होती हैं उनको और आनंद आता है उन पर। सुनहु कान बल भद्र चबाई जन्मत ही कौ धूत। जन्मत मतलब जन्म से ही, धूत मीन्स बदमाश या चुगलखोर ही समझ लो है वो, बचपन से ही ऐसा है। सूर श्याम मोहि गोधन, गोधन मीन्स गौ, गोधन गाय, गोधन गाय रूपी धन की सौ, सौ मीन्स सौगंध है। हौ माता तू पूत, पूत मीन्स पुत्र। चलिए अब इसका अर्थ बताते हैं। माया मोहि दाऊ बहुत खिजायो, श्री कृष्ण
अपनी माँ यशोदा से कहते हैं कि हे माँ, मुझे बलदाऊ भैया बहुत चिढ़ाते हैं। मोसो कहत मोल कौ लीनो, तू जसुमति कब जायो। वे मुझसे कहते हैं कि तुम्हें यशोदा माँ ने जन्म नहीं दिया है, उन्होंने तुम्हें मोल खरीदा है। कहाँ करो यही ऋषि के मारे, खेलन हो नहीं जाते। कहाँ करो मतलब क्या करूँ, यही ऋषि के मारे इसी गुस्से के कारण खेलन हो नहीं जात, मैं खेलने नहीं जाता। पुनि पुनि कहत कौन है माता, वे मुझसे बार बार कहते हैं कि तुम्हारी माता कौन है। को है तेरो तात, और तुम्हारे पिता कौन हैं। गोरे नंद जसोदा गोरी, तूकत श्यामल गात। वे कहते हैं कि नंद जी और यशोदा जी तो दोनों ही गोरे हैं, तुम क्यों सांवले शरीर के हो। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हसत सबै मुस्कात। इस तरह से चुटकी बजा बजा कर ग्वाल बालों को नचाते हैं, ग्वाल बाले नचाते हैं और हंसते हैं। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कबहू न खीजे। और माता तुमने तो बस मुझे ही मारना सीखा है, बलदाऊ पर तो कभी गुस्सा भी नहीं होती हो। मोहन मुख ऋष की ये बातें, जसुमति सुनी सुनी रीझ है। श्री कृष्ण भगवान के मुख से यशोदा जी ये खीज भरी बातें, मतलब क्रोध से भरी बातें सुनकर बहुत प्रसन्न होती हैं और कहती हैं, सुनहु कान बलभद्र जबाई, जन्मत ही कौ धूत। और कहती हैं कि सुनो कृष्ण, यह बलदाऊ बड़ा ही चुगलखोर और पैदाइशी धूर्त है। सूर श्याम मुहि गोधन की सो, हो माता तू पूत। और कहती हैं कि मैं अपनी गायों की कसम खा कर कहती हूँ, गोधन मीन्स गाय, ग्वाल वालों का बच्चों गाय ही उनका धन है, तो गोधन की कसम खा कर, गाय की कसम खा कर कहती हूँ कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे पुत्र हो। बच्चों समझ में आ गया होगा, चलो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। मैं मोहि दाऊ खिजायो, श्री कृष्ण भगवान यशोदा माँ से कहते हैं कि हे माँ, मुझे बलदाऊ भैया बहुत चिढ़ाते हैं। मोसो कहत मोल कौ लीन्हो, तू जसुमति कब जायो। कहते हैं कि तुम्हें यशोदा जी ने जन्म नहीं दिया है, तुमने तो मोल खरीदा है। कहाँ करो यह ऋषि के मारे, खेलन हो नहीं जात। क्या करूँ इसी गुस्से के कारण मैं खेलने नहीं जाता हूँ। पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरो तात। वे लोग बार बार मुझसे कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं। गोरे नंद जसोदा गोरी, तूकत श्यामल गात। वो मुझसे कहते हैं कि नंद जी और यशोदा जी दोनों ही गोरे हैं, तुम सांवले शरीर के क्यों हो। चुटकी दे दे ग्वाल नचावत, हसत सबै मुस्कात। इस तरह से चुटकी बजा बजा कर ग्वाल वालों को नचाते हैं और हंसते हैं। मोहन मुख ऋष की ये बातें, जसुमति सुनी सुनी रीझ है। मोहन के मुख से यह क्रोध भरी बातों को सुनकर यशोदा माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। सॉरी बच्चों, एक लाइन बीच में छूट गई है। तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कबहू न खीजे। और तुम हो कि मुझे ही मारना जानती हो, मुझे ही मारना सीखी हो, दाऊ भैया पर कभी भी गुस्सा नहीं होती। मोहन मुख ऋष की ये बातें, जसमत सुनी सुनी रीझ है। और
कृष्ण के मुख से यशोदा जी ये खीझ भरी बातें सुनकर बहुत प्रसन्न होती हैं और कहती हैं, सुनहु कान्ह बलभद्र चबाए जनुमत ही कौ धूत। चबाए मतलब चुगलखोर, हे कृष्ण सुनो, यह दाऊ यानी बलदाऊ बड़ा ही चुगलखोर और पैदाइशी मतलब जन्म से ही धूर्त है। जन्मत मतलब पैदाइशी मतलब जन्म से ही वह धूर्त है। सूर्य श्याम मोहि गोधन की सौ हौ माता तू पूत। यशोदा माँ श्री कृष्ण भगवान से कहती हैं कि हे कान्हा, मैं गाय की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे पुत्र हो। बच्चों, ये काव्य आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। इसको पढ़ते रहिएगा और संदर्भ तो आपको मालूम ही है कैसे लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक बाल लीला और भक्ति पद नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचनाकार जो पद पद आप लिख रहे हैं, ये पद सूरदास जी द्वारा रचित है, तो आप लिखेंगे इस कविता के, इसके रचनाकार महाकवि सूरदास जी हैं। और प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में भगवान कृष्ण अपनी माता यशोदा से शिकायत करते हैं। चलिए, धन्यवाद। इसको कर लीजिएगा अच्छे से।